सेक्शन 13 क्या वैलिडेट कर रहा है? ऐसे पर्सन के फेवर में ट्रांजैक्शन को वैलिडेट कर रहा है जो एग्जिस्टेंस में आया ही नहीं है, जो अभी पैदा ही नहीं हुआ, ऐसे बच्चे के फेवर में भी ट्रांजैक्शन को वैलिडेट कर रहा है सेक्शन 13। तो उसको समझते हैं कि वो किन कंडीशंस के साथ वैलिड माना जाता है। सेक्शन 13 देखिए, वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एन इंटरेस्ट देयर इन इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन नॉट इन एग्जिस्टेंस। ऐसे पर्सन के बेनिफिट के लिए आप इंटरेस्ट, या ऐसे पर्सन के बेनिफिट में आप इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं जो अभी तक पैदा ही नहीं हुआ। एट द डेट ऑफ द ट्रांसफर, ट्रांसफर जब आप कर रहे हैं उस समय वो व्यक्ति एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। जिस समय आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं किसी व्यक्ति के फेवर में, वो आज तक एग्जिस्टेंस में, अभी वो एग्जिस्टेंस में है ही नहीं। आगे लिखा है, सब्जेक्ट टू अ प्रायर इंटरेस्ट क्रिएटेड बाय द सेम ट्रांसफर। ये एसेंशियल कंडीशन है। क्या है? सब्जेक्ट टू अ प्रायर इंटरेस्ट क्रिएटेड बाय द सेम ट्रांसफर द इंटरेस्ट क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ सच पर्सन शैल नॉट टेक इफेक्ट अनलेस इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ द रिमेनिंग इंटरेस्ट ऑफ द ट्रांसफरर इन द प्रॉपर्टी। अब बात समझना, आप जब किसी व्यक्ति का इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं प्रॉपर्टी में, तो एक बात समझना, वो इंटरेस्ट क्रिएट करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ओनरशिप नहीं होता। इंटरेस्ट का मतलब सिर्फ और सिर्फ ओनरशिप नहीं होता भाई। जो पजेसरी टाइटल है या टेनेंट का जो अधिकार है, दैट इज ऑल्सो एन एंटाइटलमेंट, दैट इज ऑल्सो एन इंटरेस्ट। लेसी का जो अधिकार है प्रॉपर्टी यूज करने का लीज के दौरान, या एक टेनेंट का, किराएदार का जो अधिकार है प्रॉपर्टी यूज करने का उसके रेंट अग्रीमेंट के दौरान, दैट इज ऑल्सो एन इंटरेस्ट। ओनरशिप इज नॉट द ओनली इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी, देर आर सेवरल इंटरेस्ट, जैसे टेनेंसी, लीज। ऐसा ही एक इंटरेस्ट होता है लाइफ इंटरेस्ट। क्या होता है? लाइफ इंटरेस्ट। लाइफ इंटरेस्ट मतलब आपने एक व्यक्ति को प्रॉपर्टी की पजेशन और इंजॉयमेंट का अधिकार दे दिया है टिल दैट पर्सन इज अलाइव। टिल दैट पर्सन इज अलाइव, जब तक जिंदा है तब तक आप इंटरेस्ट उसे दे सकते हैं। क्या क्या इंटरेस्ट होता है इसमें? पजेशन का, इंजॉयमेंट का। लेकिन उस व्यक्ति के पास बेचने का अधिकार नहीं है, वो प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता। अब आप कहेंगे, सर सेक्शन 11 में हमने पढ़ा है कि आप मैनर नहीं बताएंगे, या सेक्शन 10 में हमने पढ़ा है कि आप एलिनिएट करने से नहीं रोक सकते। इसीलिए मैंने बार बार 11 और 10 में कहा था कि वहां जो आप इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं या जो ट्रांसफर आप कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। वहां आप क्या कर रहे हैं? सेक्शन 11 में भी आप देखेंगे बहुत क्लियरली लिखा है, आप क्या कर रहे हैं? एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन जहां आपने इंटरेस्ट ही लिमिटेड ट्रांसफर किया है भाई, वहां पे तो बहुत क्लियर है ना कि उतना ही अधिकार है उस व्यक्ति के पास। आपने एक प्रॉपर्टी किराए पे दी है तो वो व्यक्ति बेच थोड़ी देगा उसको, क्योंकि आपने उसका भाई सेक्शन 6 भी हमने पढ़ा, 6 से हमें क्या समझ में आया कि जितना अधिकार आपका है आप उतना ही ट्रांसफर करेंगे, औकात से ज्यादा ट्रांसफर नहीं कर सकते। जो अधिकार आपका ही नहीं है वो थोड़ी आप ट्रांसफर कर दो। तो एलिनिएशन का अधिकार आपके पास तब आएगा जब वो प्रॉपर्टी आप एब्सोल्युटली ओन करेंगे, तभी तो आप एलिनेट कर सकते हैं ना, अदरवाइज तो कर ही नहीं सकते। सेक्शन 11 भी जो हम बात कर रहे हैं कि आपके इंजॉय करने के मैनर को हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, वो तब ना जब एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट किया हो आपका। अगर आपका इंटरेस्ट ही रिस्ट्रिक्टेड है, मैंने आपको प्रॉपर्टी किराए पे दी है ये बोल के कि आपको सिर्फ रहना है, दुकान नहीं खोलनी है, ये बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि मैंने आपका इंटरेस्ट ही लिमिटेड क्रिएट किया है, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट नहीं किया मैंने आपका। एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का मतलब होता है ओनर बना देना, ओनरशिप। मैंने वो ट्रांसफर नहीं करी, मैंने आपको लीज पे दिया, किराए पे दिया है मैंने घर, और मैंने बोला है आप दुकान नहीं खोल सकते, इधर तो नहीं खोल सकते। उसको आप बिल्कुल रेगुलेट कर सकते हैं, ऐसे कंडीशन में आप रेगुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर एब्सोल्यूट ट्रांसफर कर रहे हैं वहां रेगुलेट नहीं करेंगे। तो ओनरशिप में एब्सोल्यूट ट्रांसफर होता है, लेकिन जो लाइफ इंटरेस्ट होता है इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। लाइफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, बात समझना, सिर्फ पजेशन का, इंजॉयमेंट का अधिकार है टिल यू आर अलाइव।
इसके बाद ये प्रॉपर्टी किसी अल्टीमेट बेनिफिशियरी को जानी है, आपका हक नहीं है उस प्रॉपर्टी पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप समझना, यहीं से ये अनबॉर्न वाली चीज भी आपकी शुरू हो रही है बेसिकली। मान लीजिए ए इस पीस ऑफ लैंड को ओन करते हैं, जमीन है इनकी। इन्होंने क्या किया, एक लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया एक व्यक्ति का। बी का क्या क्रिएट किया इन्होंने, लाइफ इंटरेस्ट इस लैंड पे। अब लाइफ इंटरेस्ट का क्या मतलब होगा, बी कैन हैव पोजेशन ऑफ द लैंड, बी कैन यूज दिस लैंड, और ये बेसिकली एक गार्जियन या ट्रस्टी की तरह देखभाल करेगा इस जमीन की। ये जमीन इसकी है नहीं, इसकी है नहीं से मेरा मतलब बी की डेथ होने के बाद लाइफ इंटरेस्ट है उसका सिर्फ। इसका मतलब कब तक इंटरेस्ट है उसका, जिंदा रहने तक। बी की डेथ के बाद ये प्रॉपर्टी वापस कहां जाएगी, बी की डेथ के बाद ये प्रॉपर्टी वापस ए को मिल जाएगी। और जहां आप एब्सोल्यूट ओनरशिप क्रिएट करते हैं, अगर ए ने ये लैंड बी को बेच दिया है, सेल कर दिया है, ऐसे केस में बी के मरने के बाद ये प्रॉपर्टी किसको मिलती, बी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, यस और नो? जो सक्सेसर होते वो इनहेरिट कर लेते। कैसे इनहेरिट कर लेते, क्योंकि एब्सोल्यूटली प्रॉपर्टी बी की हो गई थी। अगर ए ने बी को प्रॉपर्टी सेल करी होती, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट होता। एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का मतलब इनके मरने के बाद प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी, इनके एलआर के पास, सक्सेशन में वो आगे बढ़ती जाएगी। लेकिन जहां ये इंटरेस्ट लाइफ इंटरेस्ट है, इसके मरने के बाद उस एलआर के पास नहीं जाएगी, बिकॉज द इंटरेस्ट इज लिमिटेड। जो क्रिएट किया गया वो एक लिमिटेड इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है, इसलिए प्रॉपर्टी वापस किधर आएगी, लेकिन दैट्स अ लिमिटेड इंटरेस्ट। आई होप यू आर गेटिंग दिस। अब तेरा एक बार फिर पढ़िए। वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इन इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन नॉट इन एग्जिस्टेंस एट द डेट ऑफ द ट्रांसफर, ये जो लिखा है ना, सब्जेक्ट टू अ प्रायर इंटरेस्ट क्रिएटेड बाय द सेम ट्रांजैक्शन, सॉरी सेम ट्रांसफर। एक प्रायर इंटरेस्ट आप क्रिएट करते हैं, अल्टीमेटली वो उस पर्सन के पास जानी है जो अभी पैदा ही नहीं हुआ। लेकिन ये आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो ट्रांसफर है वो दो लिविंग पर्सन के बीच। और अब मान लीजिए ए को अपना ये जो पीस ऑफ लैंड है, लिमिटेड इंटरेस्ट या लाइफ इंटरेस्ट, समझ गए ना भाई, तो अपन आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ए का जो ये पीस ऑफ लैंड है, ये जो जमीन है, ए का ये कहना है कि साहब ये प्रॉपर्टी मुझे किसको देनी है, अपने होने वाले पोते को। मेरा जो बच्चा है उसके बेटे को मैं देना चाहता हूं, लेकिन अभी लड़के की शादी नहीं हुई है या उसका अभी चाइल्ड बॉर्न हुआ ही नहीं है, और ए चाहता है उसको ट्रांसफर करना। किसको ट्रांसफर करना, तो उसको मैं लिख देता हूं यहां यूसी। सी को ट्रांसफर करना है, एक इसको ट्रांसफर करना चाहता है सी को, जो कि इनका ग्रैंडसन होगा। लेकिन सी अभी क्या है, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं यूसी से। यूसी मतलब स्टिल नॉट बॉर्न, अनबॉर्न चाइल्ड। किसको ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, एक अनबॉर्न चाइल्ड के फेवर में ए इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, और हमारा एक्ट कहता है कि लिविंग बीइंग के बीच ट्रांसफर होगा सेक्शन 5 के हिसाब से। तो उसके लिए सेक्शन 13 एक सिचुएशन क्रिएट करता है। वो क्या कहता है कि ठीक है, आपको ट्रांसफर करना है अनबॉर्न को, कर लीजिए, लेकिन ये कैसे ट्रांसफर होगा, इट विल बी सब्जेक्ट टू अ प्रायर इंटरेस्ट क्रिएटेड। सेम ट्रांसफर, सेम डीड जो आप बनाएंगे कि भाई मेरी ये जो जमीन है मेरे पोते को मिलेगी जो अभी पैदा नहीं हुआ, अभी एग्जिस्टेंस में नहीं आया, अल्टीमेट बेनिफिशियरी पोता रहेगा। लेकिन आप ऐसे डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं कर सकते क्योंकि वो जिंदा नहीं है। ऐसे में आप क्या करेंगे, प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे, और ये प्रायर इंटरेस्ट क्या होगा, लाइफ इंटरेस्ट। ए क्या कर सकता है, ए के पास ये अपॉर्चुनिटी है, ए जो है ये प्रॉपर्टी में बी का, एक कोई भी लिविंग व्यक्ति का, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जिंदा है एट द डेट ऑफ ट्रांसफर, उसका क्या करेगा, लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करेगा, और अल्टीमेट बेनिफिशियरी किसको बनाएगा, अनबॉर्न चाइल्ड को। लाइफ इंटरेस्ट का मतलब आप समझ गए, जब तक ये व्यक्ति जिंदा है तब तक,
है प्रॉपर्टीज की, लैंड एंजॉय कर सकता है, पजेस कर सकता है, देखभाल करेगा प्रॉपर्टी की, लेकिन क्या ये एब्सोल्युटली ओन करता है? द आंसर इज नो. इसके मरने के बाद क्या इसके लीगल हेयर्स के पास जाएगी? द आंसर इज नो. अब क्योंकि अंकल ने, वैसे तो अंकल का ही हक होता है इसके मरने के बाद, लेकिन अंकल ने ये ट्रांसफर किसको कर दी है? अनबॉर्न चाइल्ड को, अपने ऐसे पोते को जो अभी एग्जिस्टेंस में है ही नहीं. सेक्शन 13 कहता है ये ट्रांजैक्शन वैलिड है इन फेवर ऑफ एन अनबॉर्न चाइल्ड. कब ये वैलिड होगा? दो कंडीशंस हैं. पहली कंडीशन यहां फुलफिल होती हुई है, पहली कंडीशन आपको अभी समझा रहा हूं. पहली कंडीशन क्या है? अनबॉर्न को अगर आपको ट्रांसफर करना है तो आपको एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि भैया ट्रांसफर आप आज की डेट में अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हैं तो जो ट्रांसफरी है वो लिविंग होना चाहिए, जिंदा व्यक्ति. लेकिन आप अल्टीमेटली चाहते हैं बेनिफिशियरी बनाना ऐसे व्यक्ति को जो एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो लॉ ने उसका रास्ता दे दिया, कर सकते हैं. कैसे करेंगे? पहले आप एक लिमिटेड इंटरेस्ट क्रिएट कर दीजिए एक लिविंग व्यक्ति के फेवर में, जिसको हम कहते हैं लाइफ इंटरेस्ट, क्योंकि इसका सिर्फ लाइफ इंटरेस्ट है. लाइफ इंटरेस्ट है मतलब जब तक जिंदा है बस जब तक. उसके बाद किधर पहुंचेगी प्रॉपर्टी? इधर पहुंच जाएगी, इधर प्रॉपर्टी इधर आ जाएगी. आई होप यू गेटिंग दिस. तो 13 कहता है एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करके आप ये ट्रांसफर कर सकते हैं. दूसरी कंडीशन जो सेक्शन 13 लगाता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दूसरी कंडीशन देखिए सेक्शन 13 में, जो सेक्शन 13 कहता है वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयरइन इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट. अब आप फॉलो करिए लैंग्वेज को तो समझ आएगा. वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयरइन इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन. कौन है वो पर्सन? यहां यूसी for the benefit of a person not in existence at the date of the transfer subject to a prior interest created, subject to a prior interest created by the same transfer, the interest created for the benefit of such person. किसके benefit के लिए? इसके लिए जो आपने interest create किया है उसके लिए आगे एक बात लिखी है, shall not take effect unless it extends to the whole of the remaining interest of the transferor on the property. That is the most important essential of 13. 13 के दो essential सबसे major हैं. पहला क्या? अगर आपको किसी unborn व्यक्ति के favor में property transfer करनी है तो दो बातें आपको fulfill करनी पड़ेंगी. पहली, एक प्रायर इंटरेस्ट आपको क्रिएट करना पड़ेगा किसी लिविंग पर्सन के फेवर में. दूसरा, जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है जिसको एक्चुअली प्रॉपर्टी मिलनी है, इसको आपको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट देना पड़ेगा. वो सारा इंटरेस्ट जो ट्रांसफरर के पास है वो पूरा का पूरा ट्रांसफर करेंगे. आप अनबॉर्न व्यक्ति के फेवर में लिमिटेड इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते. और इसलिए मैंने आपसे कहा था कि अंकल जीवन मतलब अनगिनत समय के लिए प्रॉपर्टी कंट्रोल नहीं कर सकते. अब अगर इसी की जगह, अब इसी में एक चीज और समझना, अगर अंकल ये कहते कि भैया लाइफ, और देखिए लाइफ इंटरेस्ट जितने चाहे क्रिएट कर लें, अंकल के पास ये फ्रीडम है, लाइफ इंटरेस्ट ये जितने चाहे क्रिएट कर दें. ये हो सकता है ये कर दें कि बी का लाइफ इंटरेस्ट, बी के लाइफ इंटरेस्ट के बाद ये पहुंच जाए किसके पास? डी के पास. और डी का भी क्या कर दिया इन्होंने? लाइफ इंटरेस्ट. डी के बाद ई के पास पहुंचे, लेकिन अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है? अनबॉर्न पर्सन. अब इस अनबॉर्न पर्सन को आप लिमिटेड इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते. अंकल ये नहीं बोल सकते कि भाई एक लिविंग बींग बी, इसका लाइफ इंटरेस्ट मैंने क्रिएट कर दिया, अनबॉर्न का भी लाइफ इंटरेस्ट जो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं आया है पोता, उसका भी सिर्फ लाइफ इंटरेस्ट रहेगा, और इसके मरने के बाद किसी दूसरे अनबॉर्न को ये प्रॉपर्टी चली जाएगी. ये अंकल नहीं कर सकते. दिस इज प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन 13. कहां प्रोहिबिट हो रहा है? लास्ट की दो लाइन. ये जो लिखा है, शैल नॉट टेक इफेक्ट अनलेस इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ द रिमेनिंग इंटरेस्ट ऑफ द ट्रांसफरर. इनका पूरा इंटरेस्ट जो बचा है, पूरा का पूरा आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा अनबॉर्न को. अब आप उसमें अपने लिए बचा नहीं सकते. जैसे यहां जो आपने ट्रांसफर किया, इसमें आपने कौन सा इंटरेस्ट ट्रांसफर किया? लिमिटेड लाइफ इंटरेस्ट बोले तो लिमिटेड इंटरेस्ट, एक लिमिटेड इंटरेस्ट ही आपने ट्रांसफर किया है. यह आप कर सकते हैं, लेकिन जो अनबॉर्न है
उसके फेवर में आप लिमिटेड इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं करेंगे। इसको आपको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट देना है कि भैया ये पैदा होते ही इसकी हो जाएगी प्रॉपर्टी, अब प्रॉपर्टी इसके डिस्पोजल पे है, प्रॉपर्टी में आग लगा दे, बेच दे, कुछ भी कर दे, किसी और को ट्रांसफर कर दे, अंकल का कंट्रोल खत्म। दैट्स व्हाट सेक्शन 13 सेज।